नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन सर, और हमारी लघु पराशरी पर बहुत वृहद चर्चा हो रही है। पिछले एपिसोड्स में हमने योग फल अध्याय 22वें श्लोक के साथ हमने खत्म किया और आज हम मार्ग अध्याय शुरू करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और इस मार्ग अध्याय में आप क्या पढ़ाने वाले हैं? नाम तो बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है। नमस्कार हिना जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आज लघु पराश्री जो है इसको श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। और हम लोगों ने 42 में से 21 22 श्लोक कर लिए, मतलब आधी लघु पराश्री जो है जो लिखी गई है वो हमने क्रॉस कर लिया है जी। और मुझे उम्मीद है कि आपके दर्शकों को वो 22 श्लोक काफी अच्छा लगा होगा, उन्होंने इसको समझा होगा, अपने कुंडली पे लगाया होगा, अपने घर वालों के कुंडली पे लगाया होगा और देखा होगा कि ये कैसे काम करते हैं। और आज जैसा आपने बताया कि आज हम लोग मारक अध्याय इसको जो है हम लोग आज शुरुआत करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो ये अध्याय बताता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु, ठीक है, वो कब हो सकती है। तो वो मारक ग्रह कौन से हैं, उनकी मृत्यु जो है, जो समय आकलन है, उसके बारे में एक ब्रॉड गाइडलाइन जैसा उन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ पे तो 6-7 श्लोक मारक अध्याय में हैं, ठीक है, जबकि डेथ जो है अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और सब्जेक्ट है। और ये भी बोला जाता है कि अगर आपको पता भी चल जाए, एक एस्ट्रोलॉजर को अगर पता भी चल जाए, तब भी आपको वो जातक को नहीं बताना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें। दूसरा जो है, आपको बहुत ज्यादा पर्सनलाइज हो करके इसको देखना नहीं, अरे मेरी तो ये दशा है, मेरी तो वो दशा है, तो ये सब ज्यादा सोचना नहीं है, टेस्ट नहीं करना चाहिए सर। हाँ हाँ, बस आप जानकारी के लिए आप जान लीजिए, लेकिन इसको कहेंगे नहीं हमें बहुत इसको टेस्ट करना है, बहुत जानना है, तो वो जो है एक नियम कानून होते हैं, तो उससे हम लोग प्रतिबद्ध हैं, तो उसमें ज्यादा किसी को छेड़खानी करनी चाहिए, ठीक है, जब होगा होगा, वो तो सत्य है कि भाई आए हैं, अटल सत्य है, आए हैं इस धरती पे, जन्म लिया है तो मृत्यु भी होगी। अब मृत्यु टालने के लिए तो रावण ने भी बहुत कोशिश करी, लेकिन मृत्यु तो फिर भी नहीं टाल पाए, तो मृत्यु तो किसी की नहीं टल सकती है जब तक कि विशेष कृपा ना हो, जिनको कि अमर बना दिया गया है, भगवान ने खुद उनको अमर कर दिया, ठीक है, 7 लोगों को, तो उसके अलावा जो है और कोई यहाँ पे परमानेंट नहीं रहेगा, तो इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो इस बैकग्राउंड के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्ग अध्याय। यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सचिन सर शुरू से ही इस अध्याय को, इसके श्लोकों की चर्चा करने से बच रहे थे। बहुत लोग आधी अधूरी जानकारी लेकर बहुत डिप्रेशन में जा सकते हैं या एक टाइम बॉम्ब के साथ रहने जैसी स्थिति हो सकती है, पर ये दर्शकों के इतनी सारी रिक्वेस्ट आई तो मेरे रिक्वेस्ट पे ही सर ने फिर इस पर चर्चा करने की अपनी अनुमति दी। तो आप बहुत समझदारी से इन श्लोकों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जितने भी दर्शक जो सर से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो मुझसे मेरे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आगे आपकी जो भी प्रोसेस है उसकी जानकारी दे दूंगी। चर्चा शुरू करती हूँ सर 23वें श्लोक से। अष्टम हायुष स्थानमष्टमादष्टमम च यत तयोरपि व्यय स्थानम मारक स्थान मुच्यते। क्या मतलब है सर इस श्लोक का, मारक अध्याय का पहला श्लोक? पहला श्लोक तो देखिए शुरू ही हुआ है अष्टम भाव से। हाँ, क्या कह रहे हैं, अष्टम हायुष, इसका मतलब है कि अष्टम जो है वो घर है लॉन्जिविटी का, आयु का घर है, ठीक है। और
इस आठवें से आठवां स्थान मष्ट मा दष्टम, यानी आठवें से इस स्थान से, यानी लगन से आठवां हो गया आयु का भाव। जी अब आठवें से आठवां, थर्ड ठीक हाउस है, थर्ड हाउस, ये दोनों ही आयु के भाव हैं। एक प्राइमरी भाव है, एक सेकेंडरी भाव है, ठीक है। ये इन्होंने पहली लाइन में इन्होंने यहां पे कहा है, और यहीं से प्रचलित हुआ है भावत भावम का रूल, ओ, ठीक है। अष्टम भाव से दूसरा, कहानी शुरू हुई है। यहां से इस श्लोक से ज्यादा प्रचलन में देखने को मिला है। इसी रूल को जैमिनी ऋषि ने भी आगे लेकर के गए हैं और पद लगन निकाला है ओके कि लगन का लॉर्ड लगन से कितने घर पे बैठा है, तो उस लॉर्ड से जहां वो बैठा है वहां से उतने घर और आगे गिन लिए, तो वो पद लगन बन गया। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट एंड एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट, ठीक है, उस भाव से भाव का या लॉर्ड से लॉर्ड का, ठीक है। तो जी ये जो है आपका पहली लाइन में बोला गया है कि एट्थ हाउस लॉन्जिविटी का, और एट से एट्थ यानी थर्ड, वो भी लॉन्जिविटी का घर है, प्राइमरी घर और सेकेंडरी घर, ओके okay. ठीक है। सेकेंड लाइन में क्या कह मृत्यु की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं यहाँ, हम आयुष्य की चर्चा कर रहे रहे, हैं। पहले तो क्लासिफाई किया ना कि लॉन्जिविटी कौन कौन से घर देखेंगे अच्छा आयु के लिए, तो ठीक है ठीक है। जी पहले आयु के घर को डिफाइन कर दिया। जी सर। अब दूसरी लाइन में देखिए क्या कह रहे हैं, तयोर अपि व्यय स्थानम, इस घर से व्यय स्थान। ओ, सेवेंथ हाउस, अब आठवें का व्यय सेवेंथ, बारवां हाउस। जी तीसरे का व्यय सेकंड, वाह, अच्छा, ओके जी। ठीक है भाई। हमने सबने पढ़ा है कि भाई क्यों सातवां घर मारक है, दूसरा घर मारक है, लेकिन क्यों मारक है? वो यहां पे मारक है, वो यहां पे है। तयोरपि व्यय स्थानम मारक हाँ स्थान मुच्यते, यानी मुझे कि इन दोनों घर के व्यय स्थान यानी कि ट्वेल्थ हाउस को मारक स्थान मान लीजिए, ओके okay. ठीक है, सिंपल। अब बहुत यहां सारी पे बातें समझ में आई हैं सर जी। तो यहां पे इस श्लोक में, पहले ही श्लोक में मारक अध्याय के डिफाइन कर दिया कि मारक घर कौन से होते हैं, सातवां और लॉन्जिविटी और दूसरा। आपके उनका एक्सपेंडिचर। जी तो ये 23वें श्लोक में हमने सिर्फ स्थान की चर्चा की कि आयुष्य क्या है और मारक स्थान क्या है, तो जी ये बहुत ही ये सटीक है और सर बहुत अच्छे से बताते हैं। तो आप लघु पराश्री के बाद इस पर जरूर सर चर्चा करेंगे, उसके लिए आप चैनल पे बने रहिए।